यूपी के कोसामी पुलिस ने बौद्ध भिक्षु का चोरी किया गया लाखों रुपए का सामान बरामद करके राहत की सांस ली है। जानकारी के मुताबिक थाईलैंड से कोसाम्बी बौद्ध सर्किट भ्रमण पर आए बौद्ध भिक्षु का कैमरा समेत डॉलर से भरा बैग 17 मार्च को सराय अखिल थाना इलाके से चोरी हो गया था। बौद्ध भिक्षु के साथ चोरी की वारदात के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। पुलिस ने अज्ञात में मुकदमा दर्ज करते हुए पड़ताल में जुटी तो सराय अखिल थाना क्षेत्र के तरना गांव के बाहर आज लावारिस हालत में बौद्ध भिक्षु का बैग पड़ा मिला। बैग की तलाशी के दौरान पुलिस ने उसमें से दो कीमती कैमरा, पावर बैंक, एक लेंस, एटीएम कार्ड, लैपटॉप और डॉलर समेत 5 लाख रुपए से अधिक का पूरा सामान बरामद कर लिया है। पेश है कौशाम्बी के संवाददाता राम किशन की खास रिपोर्ट। बुद्धिस्ट प्लेसेस का भ्रमण करने आए हुए थे। जब ये इलाहाबाद वापस जा रहे थे तो टॉयलेट करने गए एक स्थान पर और बैग छोड़कर, तो बैग उनका गायब हो गया। इस सूचना पे थाना स्थानीय पर मुकदमा पंजीकृत किया गया और इसकी तलाश की गई। जानकारी मिलने पे गांव में प्रचार प्रसार किया गया और पूरा शत प्रतिशत सामान जो है लगभग 5 लाख रुपए का सामान है, जिसमें डॉलर, कंप्यूटर और कैमरा आदि है, पूरा सामान बरामद हो गया है। अब इस सामान को हम लोग जो है उन्हें वापस शीघ्र ही करेंगे।